निचले स्तर पर यस बैंक का शेयर निवेश पर मिल सकता है बढ़िया रिटर्न। देश के पांचवें सबसे बड़े यस बैंक पर छाए संकट के बादल से कंपनी के निवेशकों की जान संकट में है। हालांकि इसे बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सामने आने के बाद निवेशकों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। इस मामले में SBI चेयरमैन रजनीश कुमार के बयान के बाद शेयरों में तेजी आई है, जो शुक्रवार के कारोबार में निचले स्तर पर पहुंच गया था। फिलहाल यह शेयर अपने अब तक के उच्च स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है और ऐसे में इस शेयर में निवेश आने वाले समय में फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इससे पहले सत्यम कंप्यूटर का मामले भी ऐसा ही केस था, जिसमें निवेशकों ने बढ़िया रिटर्न कमाया था। यस बैंक के शेयर में सोमवार के कारोबार में निफ्टी पर करीब 35% की तेजी दिखाई दी है। शुक्रवार ने करीब 83% तक गिरने के बाद शेयर थोड़ा रिकवर कर 55% की गिरावट पर बंद हुआ था। यस बैंक के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों इसमें बिकवाली कर रहे थे, लेकिन दो दिनों में इसे लेकर काफी आश्वासन मिले हैं। SBI इसे संकट से उबारने के लिए अपना प्लान पेश कर चुका है। इसके अलावा इसके निचले स्तर पर होना भी कई निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इस कंपनी के शेयर के खाते बही पर गौर करें तो 52 हफ्ता पहले यह 285 रुपये के उच्च स्तर पर था, जबकि शुक्रवार को यह 5.55 रुपये पर पहुंच गया था। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5419.75 करोड़ रुपया है। वही NSE पर कंपनी का शेयर 52 हफ्ता पहले 286 रुपये पर तथा जबकि शुक्रवार को यह 5.65 रुपये पर पहुंच गया। रजनीश कुमार ने बताया कि यस बैंक को 20,000 करोड़ की जरूरत है और फिलहाल उसमें 2450 करोड़ के निवेशकों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग SBI में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह मौका है। रजनीश कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि निवेश योजना को रिजर्व बैंक की समय सीमा से पहले ही पास करा लिया जाए। रजनीश कुमार ने SBI की निवेश योजना को विस्तार से बताते हुए कहा कि निवेश प्लान पर विचार करने के बाद हम 9 मार्च को फिर से रिजर्व बैंक के पास आएंगे। उन्होंने कहा कि SBI ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया था कि SBI बोर्ड ने यस बैंक में निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी के संकट से जूझ रहे यस बैंक के पुनर्गठन के लिए मौजूदा योजना लाने की घोषणा की थी। इससे पहले सत्यम कंप्यूटर्स का मामला भी कुछ ऐसा ही था। एक दशक पहले इस डूबती कंपनी में जितने निवेश किया वह फायदा में रहा था। दरअसल घोटाले सामने आने के बाद इसके फाउंडेशन राजू लिंगम, लेकिन कंपनी का भविष्य अधर में लटक गया। बाद में इस कंपनी का टेक महिंद्रा ने अधिग्रहण करने की कोशिश की, जिसके बाद निचले स्तर पर पहुंच चुके सत्यम के शेयर में अचानक तेजी आई है और इसके निवेशक मालामाल हो गए। सत्यम कंप्यूटर का 7800 करोड़ रुपए का घोटाला जनवरी 2009 में सामने आया था। राजू ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने खाते में गड़बड़ी की है और कई साल तक मुनाफे को बड़ा चढ़ाकर दिखाया था। जुलाई 2009 में सत्यम का नाम महिंद्रा सत्यम हो गया। 21 मार्च 2012 को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस अधिग्रहण को मंजूरी के बाद महिंद्रा सत्यम का विलय टेक महिंद्रा में कर दिया गया। राणा कपूर ने 2 करोड़ में प्रियंका गांधी वांड्रा से खरीदी थी पेंटिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित तस्वीर। यस बैंक संकट में एक पेंटिंग की चर्चा गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी के इस पर जमकर सियासी वार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यस बैंक के प्रोमोटर राणा कपूर को अपने पिता की यह पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में बेची थी। इसे मशहूर चित्रकार MF हुसैन ने बनाया था। उधर ET ने राणा कपूर से इस पेंटिंग को लेकर भी पूछताछ की है। राणा 11 मार्च तक ET की कस्टडी में है। सोशल मीडिया पर इस पेंटिंग की जमकर चर्चा हो रही है। ट्विटर और फेसबुक पर राजीव को पेंटिंग सौंपते MF हुसैन की एक तस्वीर वायरल है। सवाल किया जा रहा है कि यह वही पेंटिंग है जो 2 करोड़ रुपए में बेची गई थी। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरों को इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्हें खरीदा था। वायरल हो रही तस्वीर में MF हुसैन राजीव गांधी को एक पेंटिंग सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंटिंग किसी महिला की लग रही है। दूसरी तरफ कई ट्विटर यूजर दावा कर रहे हैं कि वह पेंटिंग नहीं है जिन्हें राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से खरीदी थी। कुछ यूजर्स का दावा है कि यह तस्वीर 1986 की है और हुसैन इंदिरा गांधी पर बनाई अपनी पेंटिंग को राजीव कुमार सौंप रहे हैं। वैसे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राणा ने जो पेंटिंग खरीदी है वह राजीव गांधी का चित्र था जिसे MF हुसैन ने बनाई थी। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह वही पेंटिंग है जो हुसैन ने प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी को उपहार में दी थी। अगर ऐसा है तो PM को उपहार में मिले गिफ्ट को बेचने के लिए के नतीजे पर गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरों को इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्हें खरीदा था। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को आरोप लगाया है कि यस बैंक के फाउंडेशन राणा कपूर ने UPA दशक के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
बांड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदी थी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि संकट से घिरा यह बैंक अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले कई कार्यक्रमों का प्रायोजन कर रहा।